नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा सा ना डिफरेंट बात करते हैं। मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ तो मेरा कुली मुझसे बोलता है कि अब सब्जेक्ट से हटकर हम कुछ बात करते हैं, नेचुरल वे में हम किस तरीके से निसंतानता से लड़ सकते हैं। तो आजकल ना बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। ऐसा होता है कि जब भी आजकल पढ़े लिखे लोग जब मैरिज के बंधन में बंधते हैं तो उनकी सबसे पहली चिंता होती है कि करियर बना लें, कि कुछ पैसे इकट्ठा कर लें या अपने प्रोफेशन में एक मुकाम हासिल कर लें, फिर बच्चे प्लान करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वाइफ कभी दूसरे शहर में है, हस्बैंड कभी दूसरे शहर में है, या इन लोग के कंज्यूमेट करने की फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, या इस सब आपाधापी में ना वो आपस में समय देना भूल जाते हैं और एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि वाइफ कहती है कि इनका मेरे साथ दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है इनका मेरे साथ रहने का, या हम लोगों के बीच की सेक्स लाइफ कुछ है ही नहीं। तो और हस्बैंड भी कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी अब इच्छा मर गई है, जब मैं कंज्यूमेट करने की कोशिश करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्स करने की इच्छा ना होना। तो देखो दोस्तों, ये एक ऐसा नहीं है कि एक बड़ी यूनिक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत कम लोग को होती है, या ऐसा है कि इसको छुपा लेना चाहिए, इसको बताना नहीं चाहिए या किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसको ज़रूर आपको डिस्कस करना चाहिए। ये 99% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, 1% अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से है तो वो हम लोग आराम से डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर साइकोलॉजी, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी डाइट, हमारा एक्सरसाइज पैटर्न, हमारा डेली रूटीन, ये सारा कुछ अफेक्ट करता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हस्बैंड और वाइफ के बीच में आती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो इस तरह के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, और लकीली मीन्स दे आर फ्रॉम वेरी हाई क्लास टू यू नो पेशेंट्स फ्रॉम विलेजेस। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम अब केवल प्रोफेशनल्स में सीमित है या जो लोग गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। देखो, इन सब चीज़ों के पीछे ना कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोफेशन, जो केमिकल इंजीनियर हैं या केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से रिलेटेड या हॉट फर्नेस वाली इंडस्ट्री से रिलेटेड या ऐसी गल्फ कंट्रीज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, या उनका वर्किंग स्टाइल वैसे ही है जो काफ़ी स्ट्रेस भी लेते हैं, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम जनरली हो सकती है। तो वी हैव टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल जनरली हम दो तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी खाने से, हेल्दी डाइट से, दूसरा एक्सरसाइज से। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो बिलीव मी, आप 15 दिन से लेकर 25 दिन तक का एक रूटीन करके देखें। आप इन 15 दिन और 25 दिन से बीच में आप ज़्यादातर जो भी कुछ खाएंगे वो नेचुरल खाएंगे, नेचुरल इन द सेंस कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको हरी सब्जियां खानी हैं, आपको सैलेड्स ज़्यादा खाने हैं, आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिनमें कोएंजाइम क्यूटन, यूबिक्विनोन या लाइकोपिन टाइप की चीज़ें हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो बहुत हेल्प करते हैं लाइक वॉलनट, अखरोट बहुत हेल्प करता है, और पिस्ता बहुत हेल्प करता है, और चिलगोजा बहुत हेल्प करता है, एंड रेजिन्स हो गई, और उसके अलावा आपका फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो कीवी बहुत कुछ हेल्प करता है, और ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारी नेचुरल चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड सेकंड थिंग, ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय डूइंग योगा या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपको पसंद आती है, चाहे आपको साइकिलिंग पसंद हो, चाहे आपको स्केटिंग पसंद हो, चाहे आपको रनिंग पसंद हो, या आपको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पसंद हो, या आपको जुम्बा पसंद हो, या आपको एरोबिक्स पसंद हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंडल्ज करो तो उससे एक स्ट्रेस लेवल ख़त्म होता है। और ट्राई टू टॉक टू योर पार्टनर और अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी समस्या के बारे में एक दूसरे से इस चीज़ को डिस्कस करो तो इसका सलूशन आपको मिल सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो का जो की पॉइंट है
कि अगर कुछ ऐसी समस्या लगती है कि आपको लग रहा है कि यस रिपोर्ट्स वाइज सब कुछ ठीक है, स्टिल आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एंड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड स्टिल वी आर हैविंग डिफिकल्टी इन गेटिंग चाइल्ड और गेटिंग प्रेगनेंसी, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफ। की पॉइंट क्या हुआ कि कुछ ऐसे रेजिन्स, वॉलनट, पिस्ता, ये आपको हेल्प करेगा। फ्रूट्स फ्रेश सारे जितने भी हैं वो हेल्प करेंगे, और कोएंजाइम Q10 अलॉन्ग विद यूबिक्विनोन और लाइकोपिन, इस तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, प्लस एक्सरसाइज। ये चीज़ें आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगी, एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगी और आपकी हेल्दी सेक्स लाइफ की तरफ आपको ले जाएंगे, ताकि अगर आपको इस तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या लॉस ऑफ लिबिडो की, तो वो आराम से दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। मेरा नंबर है 8417080446। थैंक यू।